गाइस कैसे हैं आप लोग। तबीयत कैसी है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस आज का जो मेरा व्लॉग है वो है अकेलेपन पे है। तो आज जो मैं आपसे जो व्लॉग बना रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, वो कुछ पर्सनल बातें हैं जो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपकी जो भाभी है वो गई हुई है पंजाब। क्यों गई है, कहाँ गई है, क्या रीज़न है, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द ज़रूर शेयर करूँगा कि वो क्यों गई है, कहाँ गई है। नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात शेयर करूँगा। तो अभी मुझे गाइस अभी कपड़े निकालने हैं, तो अभी देखो कि क्या है, क्योंकि वो गई है, कब्र बिल्कुल साफ़ करके गई थी, और मेरे कब्र की जो हालत हो गई है वो अभी आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। अभी मुझे कपड़े निकालने हैं जॉब पे जाने के लिए, तो देखते हैं क्या है। ये देखो गाइस, ये मेरी कब्र का हाल हुआ पड़ा है कि मैंने वो सिर्फ थोड़े से बचे में जो तय करके रख के गई थी, तो अभी देखें ये सारे कब्र का हाल क्या हुआ पड़ा है। इसलिए कहते हैं कि वुमन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली मदर, स्पेशली वाइफ, बहन, सिस्टर, और मतलब भाभी जो भी हैं आपके घर की ख्वातीन जो है उनके मतलब उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो घर पे नहीं होती तो यकीन करें मतलब घर का ये हाल होता है। तो इसलिए स्पेशली सबकी रिस्पेक्ट करें, और मतलब वो घर पे ना हो तो यकीन करें घर जो है ना अधूरा हो जाता है। तो अभी मैं कपड़े कौन से निकालूं कौन से निकालूं, अभी क्या करें यार, ये तो नहीं है, अभी कौन से कपड़े निकालूं। अच्छा तो ये मेरे देखें मेरे कब्र का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो अभी मेरे को कुछ तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तय करके रख के गई थी आप लोग की भाभी, और गाइस वो कहाँ गई है इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। जिस तरीके से मेरी अलमारी की हालत है तो यकीन करें मतलब कपड़े ढूंढने की भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए कहते हैं कि मतलब घर में कोई ख्वातीन हो तो वो तय करके रखती हैं, और उसके मतलब मुताबिक कपड़े आपको इजीली मिल जाते हैं। तो अभी देखें जो मेरी कंडीशन हुई पड़ी कब्र की, तो वो किस तरीके से है। तो अभी जो ये कुछ समझ आ रहा है तो ये निकाल रहा है मैंने, तो अभी मैं रेडी होता हूँ और फिर आप